हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्वजीत और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। जैसे कि मैंने किया सेल्टोस वाली वीडियो बनाई थी जो कि किया का नया लोगों के साथ जो है गाड़ियों के अंदर फीचर्स में भी चेंज करा गया है, तो उसके अंदर मैंने बोला था सोनेट के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम देखेंगे कि सोनेट के कितने प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए और कौन कौन से तगड़े वाले फीचर्स ऐड कर दिए गए। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो सोनेट का जो बेस वेरिएंट होता है HT-E, वो उसकी प्राइसिंग सेम रखी गई है 6.79 लाख बेस मॉडल की। जो HT-K और HT-K प्लस है उसके अंदर 10,000 रुपये का जो है डिफरेंस आया है। तो पहले जो मॉडल था HT-K वो 7.69 लाख का था, जो कि 10,000 रुपये प्राइस बढ़ के 7.79 लाख का हो गया है। जो HT-K प्लस था वो पहले 8.55 लाख का था, 8.55 लाख का, जो कि 10,000 रुपये प्राइस बढ़ के अब 8.65 लाख का हो गया है। इसके अंदर दोस्तों जो नया मॉडल अटैच करा गया है वो है HT-X DCT, जिसकी प्राइस है 10.99 लाख रुपीज़। और इसके अंदर जो HT-K प्लस DCT आता था उसको रिमूव कर दिया गया है, जिसकी प्राइस थी 10.49 लाख रुपीज़। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में कि कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स बढ़े हैं। तो इसका जो HT-K प्लस था उसके अंदर 10 से लेके 30,000 रुपये बढ़ गए हैं उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रोम डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, लेकिन सिर्फ IMT वेरिएंट्स के अंदर। फिर दोस्तों HT-X मॉडल है, उसकी प्राइस जो है 30,000 रुपये बढ़ी है, लेकिन उसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलते हैं तगड़े वाले 16 इंच के अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेफ्टी के अंदर हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, मल्टी ड्राइव मोड्स ऑटोमेटिक एंड DCT के लिए, ट्रैक्शन मोड्स ऑटोमेटिक एंड DCT के लिए। अब उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि अक्रॉस जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के अंदर बढ़े हैं। तो पैडल शिफ्टर आपको ऑटोमेटिक एंड DCT वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे, के लिए जो वॉइस कमांड है वो आपको HT-X के अंदर देखने को मिलेंगे और रियर सनसेट भी आपको HT-X के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इतने जो चेंजेस थे वो आपको देखने को मिल रहे थे किया सोनेट के ऊपर। अगर आपने किया सेल्टोस का नहीं देखा तो उसके अंदर तो इससे भी ज़्यादा चेंजेस है, तो आप जाके देख सकते हैं। क्रेटा के अंदर कौन से फीचर रिमूव कर दिए गए, कौन से फीचर ऐड कर दिए गए, अब क्या आपको क्रेटा 2021 में लेनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सारे वीडियो चेकआउट कर लो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना @visuallyblogs। आपको ID स्क्रीन पे आ रही होगी, वहाँ पे भी मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा और वहाँ पे आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे DM कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए तो इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।